हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हैप्पी ब्लॉग। आज मैं आपको पनीर दो प्याजा के बारे में बता दूँ वो किस प्रकार से बनता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये एक पैन ले लिया है। इसमें हमने 1 स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। इसमें हम ये, अब देखिए, हमने ये मोटी मोटी टुकड़ों में काट के रख लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए ये हमारा प्याज है, प्याज पीस के रख लिया, ये टमाटो पीस के रख लिया, ये हमारा कसूरी मेथी है, ये शिमला मिर्च है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नमक है हमारा, ये गरम मसाला, जीरा ले लिया है कुछ हमने, कुछ लाल मिर्च, टर्मरिक पाउडर और ये धनिया ले लिया है। फ्रेंड्स, ये हम भून के इसको करते हैं, थोड़ा कलर बदल जाएगा तो हम इसको भून लेंगे। ये हमने 1 इंच, एक थोड़ा सा हमने ये दालचीनी ले लिया है, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च ले ली है और हमने 4 ये लौंग ले लिया। इसे हम बारीक कूट के अलग से हमने इमाम रिश्ते में इसको कूट ले लिया है। इमाम रिश्ते में डालकर इसे हम थोड़ा पाउडर बना लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारी ये बन गई है। इसके बाद अपना पनीर रोस्ट कर लेंगे। देखिए ये हमारी प्याज पक गई है। ये 80% हमें इसे करीब पकाना है, बाकी हमारी ये सब्जियाँ पक गई। इसे हम अब प्लेट में निकाल देंगे। देखिए इसमें थोड़ा सामने ऑयल डाल दिया है, 2 स्पून ऑयल डाल के इसमें अपना ये पनीर हमने चौकोर टुकड़ों में काट के रख लिया है। इसको अब हम इसको भी फ्राई करेंगे। इसको हमें थोड़ा ही फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना। ये पनीर हमने फ्राई कर लिया है, इसको हल्का ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इसे हम निकाल कर गर्म पानी में डाल देंगे। आइए हम फ्रेंड्स, हम इसके लिए कढ़ाई रख ली है और अपना ये हम मस्टर्ड ऑयल, 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा जीरा डालकर गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। इसमें हम अपनी प्याज डाल देते जो हमने। में हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम इसमें एक बाउल दही लिया है, इसमें अपना हम मसाला डालेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, 2 स्पून हमने कश्मीरी मिर्च डाल दी है। वन स्पून हल्दी पाउडर डाला है, 2 स्पून इसमें हमने धनिया पाउडर डाला है। हाफ स्पून इसमें लाल मिर्च डाली और 1 स्पून हम इसमें हाफ स्पून गरम मसाला डाला है और फ्रेंड्स इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें ही हमने अपना गार्लिक, जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा इसमें हम डाल लेते हैं। ये मसाला हमने जो इलायची और साबुत खड़ा मसाला लिया था वो हमने कूट कर अलग रख लिया है, इसे हम बाद में डालेंगे। देखिए हमारी प्याज थोड़ी बन गई है, आधी ये पक गई है। इसे इसमें हम अपना टमाटर डाल देते हैं।
टमाटर डालकर हम 2 मिनट के लिए इसे हल्का सा नमक डाल देंगे जिससे कि टमाटर हमारा गल जाए। इसमें अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने पीस के रखा हुआ वो भी हम सब डाल देंगे। अगर हमारे पास जिंजर नहीं है तो हम जिंजर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसमें जिंजर गार्लिक जिंजर पाउडर ही डाला है, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हम इसको थोड़ा सा सब भूनेंगे। दो मिनट के लिए इसकी लीड लगाकर हम इसे भून लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतनी बढ़िया लगती है आपको, बहुत अच्छी लगेगी। ये पनीर दो प्याज़ा इसलिए कहते हैं कि पनीर प्याज का हमें इसमें 2 बार इस्तेमाल करते हैं। एक बार हमने पहले भून के रखी थी, दूसरा हमने इसको मसाले के रूप में इस्तेमाल किया है, इसलिए इसको पनीर दो प्याज कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसको आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप इसे बनाएं, खिलाएं, ज़रूर खिलाएं और अपने अनुभव हमारे साथ में शेयर करें। देखिए आप, इसमें उबाल आने लगा है, अब ये बनने के लिए तैयार हो रहा है। इसमें फ्रेंड्स छींटे आ रही है, हमने इसको थोड़ा सा कवर कर दिया है। फटेगा नहीं हमारा, हमने साथ में इसको डाला है। आप देख सकते हैं गैस की फ्लेम लो कर दी। देखिए ये मसाला हमारा थोड़ा तेल ऊपर आने लगा है, इसमें हम ताजी मलाई ये डाल देते हैं। फ्रेंड्स, मलाई डालने के बाद इसका कलर कुछ लाइट हो जाता है, पर ये पकने के बाद में फिर दोबारा उसी कलर में आ। भूनने से हमारे मलाई का कच्चापन निकल जाता है, कच्ची मलाई का टेस्ट नहीं आएगा और हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा। उन बत्ते से मैं डाल दूँगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसका टेस्ट बन फ्रेंड्स बहुत कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए हमारा ये मसाला, मसाले का ही भुनने का टेस्ट है। मसाला हमें अच्छी तरह से भुनना चाहिए फ्रेंड्स, जब भी हमारी कढ़ाई छोड़ दे तो हमारा मसाला समझ लो तैयार है। देखिए हमारा ये मसाला करीब करीब बनकर तैयार हो गया है। हमारा अच्छा बुनेगा, हमारा खाने का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर मसाला बनकर तैयार हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा अब पानी डाल देंगे। ग्रेवी हमें जितनी पतली चाहिए उसके हिसाब से पानी हम डाल देंगे। देखिए आप, इसमें हमने ये प्याज और ये पनीर हमने जो बना के रखा था, प्याज भून के रखी थी, दोनों को एक साथ ही हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम लो कर देते हैं जिससे हमारा पानी ना सूख जाए।
फ्रेंड्स देखिए इसे ऊपर से ये मसाला जो हमने पीस के रखा था इलायची का उसका ये मसाला भी डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। लिड लगा देते हैं ये पक के लिए तैयार हो जाएगा। ये हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है। गरम मसाला हमने डाल दिया है ऊपर से। रोस्टने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। इसे हम प्लेट आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर, ये पनीर बनकर बहुत टेस्टी हो गया है। ये पनीर दो प्याजा है हमारा, इसमें प्याज दो बार इस्तेमाल की गई है इसलिए इसको पनीर दो प्याजा। ये खाने में बहुत टेस्टी है। आप जरूर हमारे साथ शेयर करें कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करने पड़ता है और कमेंट से बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें कि आपको ये रेसिपी किस पे आदेश कर सकते हैं। ये रेसिपी का कलर कितना प्यारा आ रहा है। मेरी रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। उसने के लिए जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी रेसिपी को और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।